हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग आज फिर एक न्यू वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। जैसे कि फ्रेंड, इससे पहले वाली वीडियो में हमारा पॉवर्टी चैप्टर खत्म हो चुका है, तो इस वीडियो में हम अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके, और फ्रेंड्स वीडियो लाइक नहीं करते हो आप, यार लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से, यार मोटिवेट होता हूं मैं। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारे भी चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो फ्रेंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से पहले हमको समझना पड़ेगा फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ये दो टर्म आती है, फिजिकल और ह्यूमन। तो देखो भाई, फिजिकल कैपिटल होता क्या है? इट इंक्लूड ऑल दोज इनपुट विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, लाइक मशीनरी एंड प्लांट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। अब भाई फिजिकल कैपिटल हुआ क्या? देखो, मान लो कोई भी चीज है जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि मशीनरी, प्लांट, ठीक है, बिल्डिंग और फैक्ट्री। ये सब क्या होते हैं भाई? फिजिकल कैपिटल के अंडर आते हैं। और फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं? टेंजिबल होते हैं। ये क्या होते हैं? टेंजिबल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बॉडीड इन द पीपल। मतलब जो स्किल, जो एबिलिटी, जो एक्सपर्टाइज, जो एजुकेशन पीपल के अंदर होती है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन कैपिटल। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिजिकल कैपिटल क्या है भाई? जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री। और ह्यूमन कैपिटल क्या होगी हमारी? जो हमारे अंदर स्किल है, पीपल के अंदर, लोगों में जो स्किल है, एबिलिटी है, एक्सपर्टाइज है, एजुकेशन है, वो सब क्या है? ह्यूमन कैपिटल। इट इज क्लियर? चलो, तो फ्रेंड्स अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, कि प्यूपल रिसोर्स कैसे बनेंगे। तो देखो भाई, प्यूपल बिकम रिसोर्स बाय यूजिंग देयर स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी एंड एबिलिटी। प्यूपल रिसोर्स कैसे बनेंगे भाई? अपनी स्किल को यूज करके, अपनी नॉलेज को यूज करके, प्रोडक्टिविटी को यूज करके और एबिलिटी को यूज करके वो रिसोर्सेज बनेंगे। When human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. जब हमारी जो skill है, हमारी जो ability है, उसको हम further develop करेंगे, मतलब हम और ज़्यादा educate होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी जो skill है, ability है, उसको और ज़्यादा develop करें, तो क्या बन जाएंगे हम? Human capital formation कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे हम? Human capital formation, जो हमारा chapter का नाम था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर समझेंगे हम अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। जैसे कि अब हमें समझना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि भाई ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखो भाई, इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है उसका स्किल डेवलप करना या फिर इंक्रीज करना, ये क्या होता है? हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल को हम क्या कर रहे हैं? अच्छी कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल को क्या कर रहे हैं? हम इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा भाई? हमें फायदा मिलेगा भाई, सिंपल सी बात है। आप सोचो, अगर आपको कोई स्किल नहीं आती, आपके अंदर कोई एबिलिटी है लेकिन वो कम है, तो आप क्या करोगे? उसे बढ़ाओगे तो क्या होगा? आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या हैं। मतलब हम अपने स्किल कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी एबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्सपर्टाइज कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी एजुकेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखो भाई, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब देखो भाई, हमें एक बात समझनी है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आप सोचो, मान लो आपने 12th पास करी, ठीक है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि भाई मैं कहीं जॉब कर लूं। ठीक है, मान लो हमारे घर की कंडीशन थोड़ी खराब है, तो हमने कहीं जॉब करी। अब भाई आपको क्या लगता है, जॉब कितने रुपए की मिल जाएगी? 10,000 की, 12,000 की, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तो आप क्या करोगे भाई? अपनी एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करोगे, खर्च करोगे। अब आप सोचो, आपने भाई 12th करने के बाद आपने अब बीकॉम कर ली,
अब आपको जॉब कितने की मिल जाएगी? 15,000 की, 20,000 की। तो क्या हो रहा है ये? आपकी क्या हो गया? आपकी भाई एजुकेशन बढ़ गई। सबसे पहली चीज तो आपकी एजुकेशन बढ़ गई। अब जब आपकी एजुकेशन बढ़ गई तो आपको सैलरी अच्छी मिलने लगी पहले के मुकाबले। आपको सैलरी पहले के मुकाबले अच्छी मिलने लगी। अब इससे क्या होगा? जब आपको सैलरी अच्छी मिल रही है तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। तो यही क्या होता है भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब सोचो, आपने हेल्थ पर पैसा खर्च किया, आपने इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस, या फिर आपकी हेल्थ खराब है, आप अपनी हेल्थ अच्छी कर रहे हो, उससे क्या होगा? आप वर्क अच्छा करोगे। जब भाई किसी के यहाँ पर आप काम कर रहे हो, किसी के यहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, जब आप वर्क अच्छा करोगे तो वो आपकी सैलरी इंक्रीज करेगा। जब आपकी वो सैलरी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। सैलरी इंक्रीज होगी तो आप वैसे भी यार फायदा मिलता है, पैसा अगर ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब भाई हमारी जो स्किल डेवलप करनी है हमें, उसके दो तरीके होते हैं, मतलब ट्रेनिंग के रूप में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, दो होते हैं। अब देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में डिफरेंस समझ लो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब, काम करते करते हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। मतलब जिस भी हम कंपनी में काम कर रहे हैं वो खुद हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है कि भाई आप ट्रेनिंग करो, जिससे कि क्या होगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारी कंपनी को फायदा होगा। एक तो इस तरह की ट्रेनिंग होती है, और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब इस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, कंपनी बोल देती है कि भाई हमको ये रिक्वायरमेंट चाहिए। जैसे मान लो आपने कहीं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर कई जगह पर बोल देते हैं कि भाई हमें टाइपिस्ट चाहिए, मतलब जो टाइप करता हो, टाइपिंग वाला जो होता है। तो अब इसके लिए क्या है, आपको टाइपिंग पहले सीखनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया भाई, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये क्या हो गया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बट अगर मान लो आप कहीं आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, उसके अंदर कोई नया सॉफ्टवेयर आया, कोई नया अपडेट आया, तो कंपनी क्या कहेगी, आप जॉब छोड़ के चले जाओ? नहीं, कंपनी कहेगी आप हमारे यहीं पर सीखो, फिर उस काम को करना, हमारे यहाँ पर सीखो, फिर उस काम को करना। तो इससे क्या होगा भाई, जब हमें ट्रेनिंग मिलेगी तो हमारी स्किल और एबिलिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। अब फ्रेंड्स, माइग्रेशन क्या होता है, गोइंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं जॉब की तलाश में। तो भाई सोचो, आपको, आप रहते थे नोएडा में, या नोएडा नहीं, आप रहते थे गाजियाबाद में। कहाँ रहते थे आप? गाजियाबाद में। और आपको 10,000 रुपए मिल रहे थे सैलरी के, ठीक है। इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना। आप मान लो भाई गाजियाबाद में रहते थे और आपको 10,000 रुपए मिल रहे थे सैलरी के। अब आपने क्या करा कि भाई नोएडा जाता हूं मैं, इससे बढ़िया गाजियाबाद में मेरे को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, आप चले गए नोएडा। अब नोएडा में जब आप गए तो आपको मिल रहे हैं 20,000 रुपए। अब आप कहोगे, लेकिन यार मेरा एक्सपेंडिचर माइग्रेशन में भी तो खर्चा हो रहा है, मेरा माइग्रेशन में भी तो खर्चा हो रहा है। तो भाई 5,000 रुपए मैंने आपकी कॉस्ट मान ली आने जाने की, 5,000 रुपए मैंने कॉस्ट मान ली आपकी आने जाने की, मतलब माइग्रेशन, ठीक है। लेकिन यहां से अब आपको कितना फायदा हो गया अगर देखा जाए, अल्टीमेटली यहां मिल रहे थे 10, यहां मिल रहे हैं 20, 5,000 रुपए मैंने माइनस कर दिए, काहे के भाई, माइग्रेशन के। तो कितने बचे मेरे पास, 15,000 रुपए। अब 10,000 ज्यादा है या 15,000? 15,000। तो माइग्रेशन पर एक्सपेंडिचर करोगे तो उससे भी क्या होगी, हमारी स्किल एबिलिटी डेवलप होगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, यस, अब ये पॉइंट भी समझते हैं। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ये क्या है भाई? तो भाई आप सोचो, मान लो जैसे हम बीकॉम कर रहे थे, या कोई भी, जैसे मान लो हमें कोई भी कोर्स करना है, मान लो आपको करना है कोई कंप्यूटर का कोर्स करना है, जैसे मान लो चलो टैली, हम कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो टैली की बात करते हैं, ठीक है। अब भाई आपने क्या करा, आपको टैली सीखनी थी, आपने करा भाई एक, हम किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब आप गए वहां पर, आपने पूछा कि भाई टैली हो जाएगी? उन्होंने बोला हाँ हो जाएगी, हमारे यहाँ पर टैली हम सिखाते हैं। आपने उससे पूछा कि भाई कॉस्ट क्या है? उन्होंने बोला 8,000 रुपए। कितने टाइम का है? उन्होंने बोला 6 महीने का। आपने पूछा कितने, इसके बाद कोई जॉब वगैरह आप दिलाओगे क्या?
तो ये सब क्या है भाई, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। मतलब आप गए इंफॉर्मेशन लेने, गए इस इंस्टीट्यूट में, आपने सारी बातें पूछी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको ज्वाइन करोगे। तो आप जब वहां पर गए तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी क्या है, हमारे लिए फायदा। क्यों भाई, आप सोचो एक जगह तो हमारी कॉस्ट आ गई 8,000। ऐसे ही मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में गया जिसका नाम है एबीसी, अब वो ले रहा है 7,000 रुपए, 6 महीने का ही कोर्स है, और वो कह रहा है कि भाई मैं जॉब भी दिला दूंगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है भाई, अब ये क्या हुआ हमारा, अब मैं चाहूंगा भाई एबीसी में ज्वाइन कर लूं। क्यों भाई, मेरी 7,000 रुपए है इसकी और इसमें 8,000 रुपए, तो एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा जिससे कि हमें अच्छी स्किल मिले, अच्छी नॉलेज मिले। इट इज क्लियर, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, यार समझ में तो आएंगे ही, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए भाई। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंस और रोल की, कि भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या रोल है उसका। मतलब हम जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, उनकी उनकी एबिलिटी बढ़ा रहे हैं, उनकी एक्सपर्टाइज बढ़ा रहे हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होगी, उससे क्या क्या फायदा होगा। तो देखो इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या क्या थी पहले ये याद करो, क्या क्या लिखवाई थी मैंने फिजिकल कैपिटल, फैक्ट्री, मशीनरी, प्लांट और क्या होगी रॉ मटेरियल, ये सब क्या है भाई फिजिकल कैपिटल। अब आप सोचो अगर आपके पास स्किल है, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास एक्सपर्टाइज है, आपके पास एजुकेशन है, तो आप क्या करोगे, इसका इफेक्टिव यूज करोगे कि भाई जितना अच्छे से अच्छा इसका यूज होगा उतना मैं करूंगा। सिंपल सी बात है भाई, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। सेकेंड पॉइंट, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अब आप सोचो यार आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छी एजुकेशन है, तो आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे, प्रोडक्शन को बढ़ाओगे अपनी स्किल और एबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इन्वेंशन मतलब कोई नई चीज का इन्वेंशन करना। आपके पास एजुकेशन है, आपने एजुकेशन ली है, अब आप मान लो आपने बीटेक करी, आईटी फील्ड में हो आप, आपने बीटेक करी, ठीक है। अब बीटेक करने के बाद आप एक HCL नाम की कंपनी है कंप्यूटर की, HCL ये आईटी की थर्ड नंबर की कंपनी है, आप इसके अंदर जॉब कर रहे हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया, तो ये क्या है इन्वेंशन, ये क्या है एक इन्वेंशन, इनोवेशन। अब ये इनोवेशन क्या है भाई, अब देखो भाई इन्वेंशन क्या हुआ, हमारा एक नया इन्वेंशन हो गया तो क्या हुआ, हमारा फायदा हुआ, हमारी बीटेक करने का फायदा हुआ, एजुकेशन लेने का फायदा हुआ, हमारी स्किल से कुछ फायदा मिला कंपनी को और हमें भी। भाई सोचो अगर आप इस चीज का इन्वेंशन कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा अल्टीमेटली भाई, ठीक है। चलो इनोवेशन, अब ये इनोवेशन क्या होता है भाई, न्यू आइडिया, इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडिया। अब मान लो आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने एनालाइज किया, या फिर आप सुपरवाइजर हो किसी कंपनी के अंदर, आप एक सुपरवाइजर हो, लिख लो भाई सुपरवाइजर। अब आपके अंडर में एक फ्लोर आता है, ठीक है, आप एक फ्लोर के सुपरवाइजर हो या फिर मैनेजर हो, कुछ भी ले लो। तो भाई आपने देखा मेरी कंपनी में 3 लोग काम कर रहे हैं इस फ्लोर पर, एक फ्लोर है सेकंड फ्लोर, उसके अंदर 3 लोग काम कर रहे हैं। अब आपने ये आप एक हफ्ते से नोटिस कर रहे थे कि भाई 3 लोग काम कर रहे हैं लेकिन काम 2 जनों से हो सकता है। अगर मैं एक मशीन ले आऊं, अगर मैं एक मशीन खरीद के लिया हूं, तो मेरा ये जो काम है 3 की जगह 2 लोगों से हो सकता है। तो आप क्या करोगे भाई, मशीन लिया और एक को नौकरी पे से हटा देंगे, उसकी सैलरी तो बचेगी। तो ये क्या है, एक न्यू आइडिया, आइडिया दिया हमने, इससे क्या हुआ कंपनी को बेनिफिट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अब आप सोचो यार आप आईटी फील्ड में थे मान लो, तो आप क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हो ना, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंस हो गई भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड। अब ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड क्या होता है भाई, आप सोचो आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब अच्छा होगा, एकदम बढ़िया होगा, बेहतरीन होगा,
तो ये क्या है, आपका एटीट्यूड मॉडर्न हो रहा है, आपका एटीट्यूड मॉडर्न हो रहा है। तो मान लो आप किसी कंपनी में गए और मीटिंग है आपकी किसी क्लाइंट के साथ, लेकिन आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। तो जब आपने स्किल ली है, एबिलिटी ली है, एजुकेशन ली है, तो आपको क्या क्या बात है कायदे की कि भाई आप अच्छे से कपड़े पहन के जाओ जिससे कि आपकी मीटिंग अच्छी हो, क्लाइंट आपका इम्प्रेस हो। तो क्या हुआ भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का फायदा हुआ, हमारा एटीट्यूड मॉडर्न हो गया, हमारा एटीट्यूड मॉडर्न हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी। भाई सोचो, जब आप एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, आपकी स्किल अच्छी है, आपकी एबिलिटी अच्छी, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो भाई, मान लो लिटरेट और इलिटरेट दो परिवार हैं, एक परिवार है लिटरेट और एक परिवार है इलिटरेट, ठीक है। अब जो लिटरेट परिवार है उसने एक बच्चा करा, जो इलिटरेट परिवार है उन्हें दो बच्चे करे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है भाई, लिटरेट परिवार को पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, बट इलिटरेट को नहीं पता, तो एजुकेशन का फायदा मिला, एजुकेशन का फायदा मिला। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या फायदा हुआ, हम पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज क्लियर यार, किसी भी पॉइंट को आप एग्जाम्पल से समझो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको कुछ अंदर का याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड चलो, इस वीडियो में मैंने आपको आधा चैप्टर दे दिया है, वीडियो को हम खत्म करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को खत्म करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो यार, उनका भी कुछ फायदा होगा, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ भी इसको वीडियो को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलेंगे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स।